मंत्र गायत्री है और खुद जिसका नाम गायत्री है वो गायत्री मंत्र नहीं कर सकती कैसे और कौन बोलता है कहां से बोलते हैं ये कौन लेके आता है ऐसे प्रश्न के क्या गायत्री मंत्र महिला नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती वेदिक काल में महिलाओं ने यज्ञ किया है वेदिक काल में ऋग्वेद में मंत्रज भी है उन्होंने खुद जितनी महिलाएं हुई है बहुत उच्च अवस्था में ऋषियों की अवस्था तक पहुंची है जिन्होंने मंत्र लिखे हैं वैदिक ऋग्वेद मंत्रा से तो वो सब भी कर सकती है और गायत्री मंत्र क्यों नहीं कर सकते देखो गायत्री मंत्र अगर उच्चारण करना गलत होता तो ईश्वर खुद ही रोक देते वो आपको बोलने देते नहीं थे ईश्वर का कंट्रोल है आपकी जुबान पर जो आप जीभ जो आपकी है टंग जो है तो कंट्रोल है उनका अगर सच में वो बहुत बड़ा महापाप होता तो वो रोक देते थे आपको बोलने देते नहीं थे बात यह है कि मंत्र जो है गायत्री मंत्र शक्तिशाली है बहुत ही पावरफुल मंत्र है बहुत ज्यादा मंत्रों में सबसे उच्च अवस्था तक वो मंत्र को हम देखते हैं अब ये मंत्र जब आपको साधना के रूप में देखते हैं गायत्री मंत्र साधना के रूप में उसके लिए भी आपको सही गुरु चाहिए तो ये थोड़ा कैसे है पता है ना ये ऊर्जा के साथ खेलना होता है ऊर्जा और ये बहुत थोड़ी रुद्र रूप की ऊर्जा हो जाती कभी कभी अगर हम ठीक से उसे नहीं कर पाए तब तकलीफ आ सकती है तो इसीलिए कई जो गुणिजन थे पहले जितने भी ऋषि मुनि थे या धीरे धीरे समय के साथ तो उन्होंने ये सोचा कि ये सब तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि इसका असर किसी किसी पे अच्छा नहीं जा सकता तो उसे गुरु परंपरा के द्वारा पहुंचाया गया कि मैं सिखाऊंगा फिर आप किसी और को सिखाना फिर आप किसी और को सिखाना इस तरह से लोगों तक पहुंचाया है तो सोच ये थी कि बहुत संवेदनशील है वो मतलब बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा से भरा वो मंत्र है तो उसे ठीक से पहुंचाना है नहीं तो नहीं पहुंचाना है इसीलिए फिर कहा गया है कि नहीं आप मत करो आप मत करो क्योंकि आप नहीं कर पाओगे साधना आप उसके लिए अनुष्ठान ऐसे ऐसे है तब थोड़ा कितने सारे लोगों को पीछे रखा गया तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो नहीं कर सकते उसके पीछे कारण था जो अभी मैंने आपको बताया विशेष अलग से क्रिया होती है मंत्र शापित भी है। तो उससे पहले ठीक करना पड़ता है फिर वो साधना के रूप में करना होता है जब हम भी आश्रम में चैन करते हैं गायत्री मंत्र तो हम बहुत सरलता से सौम्य रूप से करते हैं तो गायत्री छंद में है तो उसी अनुसार हम सा, के रूप में। सा मतलब सारे में सा जो है उसके ही अनुसार हम उसका उच्चारण करते हैं तो आप पूजा के हिसाब से कर लो पर अनुष्ठान के रूप में करते हैं साधना के रूप में करते हैं तब उसके लिए तैयारी लगे जो हम नहीं सिखाते क्योंकि हमारे लिए वो मार्ग फिलहाल नहीं है पर आप उच्चारण कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है देवी है गायत्री देवी है वो आपको आशीर्वाद ही देती है और उसके पीछे भी दो तीन कुछ रहस्य हैं पर हम अभी फिलहाल उसके ऊपर बात नहीं करते पर मंत्र बहुत प्रभावशाली है आपको जो भी कुछ चाहिए होता है आपको डिवाइन लाइट के माध्यम से मिल जाएगा आसान हो जाता है क्योंकि डिवाइन लाइट आपको प्रोटेक्ट करता है ख्याल करता है तो जब भी ऐसी कुछ साधनाएं होती हम उनसे दूर रहते हैं हम सौम्य प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक से रहे अच्छे से चले तो बस यही कारण था और कुछ कारण नहीं इसके पीछे लोग डर के मारे ऐसे करते महिलाएं हवन नहीं कर सकती ऐसा भी नहीं है हम तो करते हैं अच्छे से और प्रार्थना पूरी होती है और महिलाएं अच्छे से कर रही है किसी को कुछ तकलीफ आज तक हुआ नहीं सालों से कर रहे हैं उल्टा प्रार्थना जल्दी पहुंचती है अगर एक शक्ति बैठी हवन में तो तो और सुपरफास्ट हो जाता है